So let us start today's vocab part weather and weather. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे weather और weather का difference. मैं आपको बता दूं, एक weather होता है जिसमें चाहे तो या का use करते हैं. उसका एक example आपके सामने है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आए या ना आए. It doesn't matter to me whether she comes or not. यहाँ पर weather का use या के लिए किया गया है. ठीक है, तो जब कभी हमें या अगर ऐसे शब्दों का उपयोग करना हो तब हम weather WHETHER का यूज करेंगे. यहाँ पर आप ध्यान दें कि दोनों जो डिफरेंस हैं वो सिर्फ स्पेलिंग को लेकर है. एक है WEATHER, एक है WHETHER. ठीक है, तो हमने WHETHER का मीनिंग पढ़ा कि अगर या चाहे तो के लिए हम वेदर का यूज करते हैं. दूसरे वेदर का यूज हम करते हैं मौसम के लिए. जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आज का वेदर कैसा है. हम बोलते हैं ना, आज तुम्हारे एरिया में कैसा वेदर है. हाउ इज द वेदर इन नैनीताल टुडे, हाउ इज द वेदर इन कसरावत टुडे. आज कसरावत में कैसा मौसम है. हाउ इज द वेदर इन नांद्रा टुडे, आज नांद्रा में कैसा वेदर है. अंडरस्टूड, मतलब कि जब WEATHER हो तो आप समझ जाए कि यहाँ पर मौसम के बारे में बात की गई है. वहीं पर WHETHER आ जाए तो वो होता है अगर, चाहे, या. इन शब्दों का उपयोग करने के लिए उसे यूज किया जाता है. आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा. बाद में इसे ओपन करने की जरूरत नहीं, आप इन स्पेलिंग्स को यहीं से याद करते चले. ठीक है, आइए हम देखते हैं आज का हमारा वॉकेब पार्ट. रूट वर्ड जो कि प्रीफिक्स है अंडर. क्या है अंडर? UNDER. एक और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपर. SUPER. सुपर. सुपर मीन्स होता है अबव, किसी चीज के ऊपर. ऊपर मीन्स जरूरी नहीं है कि किसी सरफेस के ऊपर हो. ऊपर मीन्स बहुत ज्यादा ऊंचा भी कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि टेस्ट में बेस्ट हो. जो लिमिट होती है किसी चीज की, उससे अबव, उससे ज्यादा होना. जैसे सुपर फूड. ठीक है, सुपर स्टार. स्टार तो सभी होते हैं, सुपर स्टार मतलब क्या, सबसे बेस्ट, सबके अबव. अंडरस्टूड. सुपर नेचुरल, सुपर इम्पोज, सुपर ह्यूमन. ह्यूमन तो वो है पर सुपर ह्यूमन है, मतलब ह्यूमन से ज्यादा क्वालिटीज उसमें है, वो सुपर ह्यूमन होता है. सुपर फास्ट, तो फास्ट तो है कोई चीज. सुपर फास्ट कंप्यूटर आते हैं, तो कंप्यूटर जो फास्ट आते हैं, जो एक लिमिट होती है उससे कई गुना ज्यादा उसमें लिमिटेशंस नहीं रहती, वो कई गुना ज्यादा फास्ट होता है, उसे सुपर फास्ट कहते हैं. ठीक है, ऐसे ही सुपर फास्ट ट्रेन होती है, बहुत सारी चीजें होती है. आप समझ गए होंगे कि सुपर हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब किसी लिमिट के बाहर जाने की बात. अब अंडर कहाँ यूज करते हैं, जब किसी चीज के बिलो की बात, नीचे की बात. अब वो सरफेस के नीचे भी हो सकता है या किसी चीज या किसी लिमिट के नीचे या लिमिट से नीचे होना. जैसे अंडर वाटर, वाटर के अंदर. अंडर वाटर बोट्स आती है ना. अंडर एज, अंडर एज है मतलब एक एज होती है जो एडल्ट की होती है 18 इयर्स, और उससे कम जो होते हैं उसको अंडर एज कहा जाता है. कि अंडर एज जो बच्चे होते हैं वो कार या बाइक को राइड नहीं कर सकते, कार को ड्राइव नहीं कर सकते, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे उनके लिए, अंडर एज. एज लिमिट जो है उससे कम एज है इसकी. अंडर कुक क्या होता है, कम पका हुआ. जैसे कभी कभी आपका खाना पकता नहीं है, पूरा अध पका रह जाता है, तो वहां पर क्या कहेंगे, द फूड इज अंडर कुक, पूरी तरीके से पका नहीं है. अंडरलाइन, कोई भी जब हम लाइन लिखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन करते हैं, मतलब वो जो वर्ड लिखा है उसके नीचे हम एक लाइन खींचते हैं, दैट इज अंडरलाइन. अंडर वेट क्या होता है, जो एक लिमिट है वेट की, जो एक नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे कम वेट होना, तो वो हो जाता है अंडर वेट. अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर नीचे, तो वो क्या हो जाता है, अंडरग्राउंड सीवेज होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शंस होते हैं.
सभी जानते होंगे आप लोग, ऐसे ही अंडर और सुपर को लेकर आप जितने भी प्रीफिक्स को ऐड करके वर्ड्स को जानते हैं आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। आइए आज हम अपना आज का थॉट देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। आज का मोरल है हमारा, एनीवन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। एनीवन, कोई भी, हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक, हु हैज जिसने की, नेवर कभी नहीं, क्या नहीं किया कभी, मेड अ मिस्टेक, जिसने कभी कोई मिस्टेक की ही नहीं, हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं सकता। हम वर्ड टू वर्ड देखते हैं, एनीवन कोई भी, हु हैज मतलब जिसने, नेवर कभी नहीं, मेड यानी की, क्या नहीं की, जिसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की, हैज नेवर ट्राइड, उसने कभी कोशिश ही नहीं की एनीथिंग न्यू, कुछ नया सीखने की उसने कभी कोशिश नहीं की। मतलब मिस्टेक वही करता है जो कुछ नया सीखने की हिम्मत रखता है। यदि आपसे गलतियां हो रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, तो इसका मतलब है कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं। पर जो लोग गलतियां नहीं कर रहे हैं, मतलब उसने कुछ सीखा ही नहीं है, उसको जो आता है बस उसी का वो क्या किया जा रहा है, उसी के ऊपर इतरा रहा है, उसी को उसके आगे सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यदि आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं तो आपको डरने की, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। यदि आप मिस्टेक कर रहे हैं मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा सीखने की, तो जरूरी नहीं है इसका मतलब कि आप मिस्टेक्स करते रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों से सीखते रहें और गलतियों से हार मानने की जरूरत नहीं। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसमें हम आज टेंस पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टेंस। देखिए टेंस क्या होते हैं, टेंस की डेफिनेशन है, टेंस आर दोज सेंटेंसेस विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन। क्या बताते हैं हमें कि जो एक्शन परफॉर्म की गई है, जो काम किया गया है, वो किस समय किया गया है। टेंस हमें बताता है ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्या बताते हैं हमें यही बात बताते हैं कि ये काम होने वाला है फ्यूचर में, ये काम हो चुका है पास्ट में, ये काम चल रहा है प्रेजेंट में। तो द टेंस शोज टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम बताता है। बिना वर्ब के कोई भी टेंस कंप्लीट नहीं होता है। कोई ना कोई एक्शन वर्ड, कोई ना कोई एक्शन, तो कोई ना कोई वर्ब तो उसमें जरूर होती है। समझ गए होंगे आप, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं टेंस को, पर मैं आज आपको टेंस जो है एकदम बेसिक रूल्स के साथ बताने जा रही हूँ कि टेंस होते हैं थ्री टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। और हर टेंस के फोर काइंड्स होते हैं। कितने होते हैं? फोर काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। कौन कौन से हैं वो? तो वो है इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप ध्यान से सुने कि इनडेफिनिट में क्या होता है, सिंपल थिंग्स आती हैं। कौन सी चीजें आती हैं? सिंपल चीजें आती हैं, सिंपल सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई चीज कंटिन्यूअसली चल रही है। क्या हो रहा है? कोई चीज कंटिन्यूअसली काम कर रही है, कंटिन्यूअसली चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? तो परफेक्ट टेंस वो होता है, जैसे कि उसके स्पेलिंग से ही पता चल रहा है, PERFECT, परफेक्ट, जो काम कंप्लीट हो चुका है वो परफेक्ट टेंस में आता है। जो काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट टेंस में आता है। और इन द एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जिसमें काम कंप्लीट भी हो चुका है और चल भी रहा है। तो आप सोचो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है कि काम कंप्लीट भी हो जाए और चल भी रहा हो। मैं कहूं कि मैं पिछले 15 दिनों से पढ़ा रही हूं,
तो ये परफेक्ट टेंस होगा। पर मैं यदि ये कहूं कि मैं स्पोकन इंग्लिश 15th of July से पढ़ा रही हूं, मतलब मैंने अभी तक 15 दिन में पढ़ा चुकी हूं, परफेक्ट हो गया, और अभी भी मैं पढ़ा रही हूं, मतलब कंटिन्यूअस टेंस भी चल रहा है और परफेक्ट भी काम हो गया है। वो काम कंप्लीट तो हो ही चुका है, पर वो काम अभी तक भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट टेंस से। इनडेफिनिट में प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट और फ्यूचर इनडेफिनिट तीनों हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, देन परफेक्ट, एंड आफ्टर दैट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड? मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल के थ्रू कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सेंटेंस की डेफिनेशन बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस वह होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अलग अलग शब्दों का एक ग्रुप होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। पर कैसा ग्रुप? जिसका कोई मीनिंग निकले। वाक्य क्या होता है? वर्ड ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर उसका क्या निकले? कोई मीनिंग निकले। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ सेंटेंस। अब सेंटेंस जैसे मैंने बोला, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहां पर तीन चीजें आपको मेन मिलेगी सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जिन्हें पता है वो रिविजन समझ के इसे सुनिए, और जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान से सुनिए और ज्यादा केयरफुली, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सेंटेंस एक वाक्य क्या होता है। उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होती है। जिस किसी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप कवरेज में रहें, बाकी सभी को मेरी आवाज क्लियर है, आप मुझे अच्छे से सुन पाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स जो उस सेंटेंस में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। आई गो टू स्कूल, आई काम कर रहा है, आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया, मैं काम कर रही हूँ। फैन मूव्स फास्ट, फैन तेजी से घूमता है, तो फैन सब्जेक्ट हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सब्जेक्ट हो गया, कि सूर्य पूर्व से निकलता है। टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, टीचर सब्जेक्ट हो गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि जो भी सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। राइट नाउ अभी लिखिए, जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें पता है वो रिविजन समझ के लिखिए कि जो सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वर्ब को सुनिए आप ध्यान से, क्या होती है वर्ब? वर्ब होती है कि जो सब्जेक्ट एक्शन करे। सब्जेक्ट तो पहचानने लग गए आप, अब जो सब्जेक्ट एक्शन कर रही है, जो भी एक्ट कर रही है, जो भी परफॉर्म कर रही है, वो होगा वर्ब। मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई मैं क्या कर रही हूँ? जाने का काम कर रही हूँ। मेरी एक्शन क्या है? जाना, गो। आई गो टू स्कूल, गो वर्ब हो गई। ओके, देन पंखा तेजी से घूमता है, तो घूमना उसकी वर्ब हो गई। पंखा जो है सब्जेक्ट है और घूमना वर्ब हो गई। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास रूम, टीचर क्या कर रहा है? टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये वर्ब हो गई टीचिंग। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन क्या काम कर रहा है? उदय होने का, राइज होने का काम कर रहा है, राइज हमारी वर्ब होगी। इन द एंड मैं आपको बता दूं कि जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है वो एक्शन क्या कहलाती है? वर्ब या क्रिया कहलाती है। लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का संबंध बताए वो ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिटेल में बताए वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब हो गई। अब वो जा रही है या मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? स्कूल। मैं और जाने के बीच का संबंध, कि मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, तो स्कूल मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द सन राइजेस, सूर्य निकलता है, कहाँ से निकलता है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, टीचर टीच कर रहा है, पर क्या टीच कर रहा है, कहाँ टीच कर रहा है? क्लासरूम में, तो क्लासरूम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बात आपको समझ में आ रही होगी कि सब्जेक्ट जो काम करे वो वर्ब होता है, एक्शन करता है वो वर्ब होता है,
और जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का डिफरेंस या हमें रिलेशन बताया है वो ऑब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड? आज बस हमें इन्हीं तीन चीजों के बारे में जानना है। क्या जानना है? कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही याद रखना है और हम पूरे टेंस को इजीली समझ जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें पता चलती हैबिट्स या फैक्ट्स। जितनी भी हमारी प्रेजेंट हैबिट्स होती हैं, जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट फैक्ट बता दूं या ट्रुथ क्या होता है, जिसे पूरी दुनिया मानती है। सूर्य पूर्व से निकलता है, उगता है, सभी को पता है, पूरी दुनिया इसे मानती है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है। हर एक को मानना ही पड़ेगा। ये तो क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबको पता है कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसे ही साइंस के जो फैक्ट होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। हमारी आदतें, मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ, मैं रोज ब्रश करती हूँ, मैं रोज अपना काम समय पर करती हूँ, तो ये मेरी आदतें हैं जो मैं रोज करती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में आती है। सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आइए हम इसमें और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं पहले उसे समझ लें। आपको यदि स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो ही आप इसे समझ जाएंगे। एक्शन हैपन रेगुलरली, दैट एक्शन हैपन्स रेगुलरली। जो भी एक्शन रेगुलरली होती है, की जाती है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। जनरल ट्रुथ, जो जनरल ट्रुथ होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। हमारी थॉट्स, फीलिंग्स और ओपिनियंस जो हम शेयर करते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब कैसे करते हैं थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस को शेयर, मैं आगे आपको बताऊंगी अपनी अगली स्लाइड में। आप ध्यान से पढ़ें कि जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स और वर्ब का इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि डू क्यों बताया मैंने यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि तीन प्रकार के सेंटेंस को यूज करते हैं हम, वैसे तो चार करते हैं पर अधिकतर हम तीन सेंटेंसेस, तीन टाइप टाइप के सेंटेंसेस को बनाते हैं टेंस के थ्रू। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव, मतलब जहां पर हम नॉट लगा देते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव जहां क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो हम बाद में पढ़ने वाले। तो जब हम इन्हें सिंपल प्रेजेंट को अफर्मेटिव बनाते हैं तब तो हमें डू डज की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हमें डू डज की जरूरत पड़ती है। वो क्यों, मैं आपको बता दूं। होता ऐसा है कि जब विल शैल लगा हो, वॉज वर लगा हो, इज एम आर हो, तब तो हम उसका नेगेटिव बनाएंगे उस सेंटेंस का, तो क्या करेंगे, इज के बाद नॉट लगा दिया, वॉज के बाद नॉट लगा दिया, और नेगेटिव इजीली बन जाता है। आई एम नॉट प्लेइंग विद यू, आई वॉज नॉट प्लेइंग विद यू। पर इंट्रोगेटिव बनाना तब भी हम क्या करते हैं, इज और वॉज वर जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लिख देते हैं। इज यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, या जो भी सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। पर ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तब हम जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम डू डस का वहां पर यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जहां पर आई, वी, यू, दे हो, प्लूरल नाउन हो, बॉयज, गर्ल्स, इसीलिए एस लगा के दिखाया गया है कि प्लूरल नाउन हो, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। और जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट, राम, मतलब सिंगुलर नाउन, कोई भी एक पर्सन का नेम, एक नाउन का नेम, अ बॉय और अ गर्ल, तो वहां पर हम डस का यूज करते हैं। ध्यान से समझ गए आप? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर ये रही इसकी टेंस की डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ टेंस हैं। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
हर एक के चार काइंड्स होते हैं, सिंपल, इनडेफिनिट. सिंपल कहते हैं, इनडेफिनिट दोनों ही करेक्ट है. कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के चारों के चार चार काइंड्स होते हैं. तो ये हो जाते हैं 12. कितने टेंस हो जाते हैं टोटल? 4 3 12 टेंस हो जाते हैं हमारे पास. ये हम पढ़ चुके हैं. इसके आगे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि जब हमें अफर्मेटिव टेंस बनाना होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है सिंपल प्रेजेंट का, तब हम क्या करते हैं कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस का यूज करते हैं या ई एस का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? एस या ई एस का यूज करते हैं. और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारे पास, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन, तब हम क्या यूज करते हैं? एस का यूज नहीं करते हैं वर्ब के साथ. प्लूरल नाउन से मैं आपको समझा दूं कि जब दो या दो से अधिक नाम हो, दो या दो से अधिक नाउन्स हो, तब हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन्स कहते हैं. देखिए, जैसे आपके पास सामने है, आई वॉक, यू वॉक, वी वॉच, दे स्टडी. आप देख रहे होंगे आई वी यू दे के साथ हमने वर्ब में एस यूज नहीं किया है. वही नीचे देखिए आप सेकेंड हाफ में, ही वॉक्स, शी वॉचेस, इट स्टडीज. अंडरस्टूड? अब आप सोचेंगे कि एस, ई एस और आई एस कब लगाएंगे. तो मैं आपको जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ाऊंगी तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा कहाँ आपको एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है और कहाँ पर आई ई एस का यूज करना है. वैसे जनरली तो हर इसमें एस यूज किया जाता है, पर जो वर्ड सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स या ओ पे एंड होता है वहां पर हम ई एस का यूज करते हैं. आपको समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते टाइम यदि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, आई वी यू दे या किसी दो से अधिक या दो लोगों का नाम है, प्लूरल नाउन है हमारे पास, तो हम वहां पर वर्ब में, एक्शन में एस को एड नहीं करेंगे. पर वहीं पर यदि हमारे पास सिंगुलर नाउन है तो हम वहां पर एस को एड जरूर करेंगे. जैसे ही, शी, इट, ये किसी सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है. मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा दूं, आई मीन्स होता है मैं, यू मीन्स तुम, वी हम, दे वे, ही मीन्स वह, हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं, शी भी हम किसी लड़की के लिए यूज करते हैं, वह मीनिंग होता है इसका भी, और इट हम किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं. आइए हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड. आप लोगों को यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कहां हम एस यूज करते हैं और कहां एस ई एस यूज नहीं करते हैं. देखिए, सिंगुलर जो टेंस बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो टू टाइप से बनता है. नीचे जो लिखा है आपके पास सिंगुलर, यहाँ पर ऊपर का सिंगुलर का फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला प्लूरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. बाय मिस्टेक नीचे भी सिंगुलर लिख दिया गया है, आपको सिंगुलर की जगह प्लूरल राइट करना है. ऊपर सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. पर वहीं जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. अंडरस्टूड? इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली, वो एक्शन जो रोज की जाती है, जैसे आई गो टू जिम एवरी डे, आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई बाथ एवरी डे, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे. तो ये मेरी डेली की एक्शंस हैं जो मैं करती हूँ, मेरी आदतें हैं, मेरा रूटीन है. तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. हिंदी में हम याद करते हैं ना, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, आए, ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं हमें. हमें तो ये याद रखना है कि जो रेगुलर एक्शन है वो होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्योंकि यदि आप हिंदी को याद करेंगे, फिर यदि आपको कभी इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ी तो आपको हिंदी में सुनना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, तब तक टाइम निकल जाएगा और आपकी बोलने की हिम्मत भी खत्म हो जाएगी. इसलिए आपको सिर्फ इंग्लिश में सोचना सीखना चाहिए. डायरेक्ट इंग्लिश में जिस दिन सोचने लग गए, आप परफेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे. आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, फैक्ट और जनरल ट्रुथ. यू आर फिट, ये तो जनरल ट्रुथ है, फैक्ट है, तुम दिखाई दे रहे हो फिट. यू आर वीक,
ठीक है, इसे हम कहेंगे फैक्ट, ये जनरल ट्रुथ है जो सभी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट। अब आप सोचोगे इसमें तो इजम आर है, पर आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह बी फॉर्म मतलब वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसे एक्शन के लिए यूज किया गया है। इसे कैसे यूज करता है मैं इसे भी आपको बताऊंगी। जैसे आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर इज एम आर को वर्ब के रूप में भी यूज किया गया है, इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना कि कंटिन्यूअस टेंस में। अंडरस्टूड? थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, हमारे पास जो आप सेंटेंस बनाकर सेंड कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है आपके सेंटेंस, पर मैं अभी आपके सेंटेंसेस का, आपके जो वर्ड सेंटेंस सेंड कर रहे हैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हम इसे आज कंप्लीट कर लें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? आइए देखते हैं। माई फ्रेंड थिंक्स दैट आई एम हेल्दी, माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड थिंक सोचती है दैट आई एम हेल्दी, कि मैं हेल्दी हूँ। यहाँ पर हिंदी का यूज मैंने इसलिए नहीं किया है स्टार्टिंग में कि यदि आपको अभी से हिंदी बता दी मैंने तो आपको हिंदी ज्यादा इजी लगती है, इसलिए आप अपनी मेमोरी में हिंदी को सेव कर लेंगे। तो आप इंग्लिश के सेंटेंसेस के थ्रू ही इसे समझने की कोशिश करें। माई फ्रेंड थिंक्स, देखो माई फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या किया, थिंक की जगह थिंक्स का यूज किया, एस लगाकर हमने इसे सेंटेंस को कंप्लीट किया। यहाँ पर देखिए आप, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा है। माई फ्रेंड थिंक्स, सोचती है, मेरी फ्रेंड सोचती है दैट आई एम हेल्दी, मैं कैसी हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। माई फ्रेंड थिंक्स, आप भी कुछ सेंटेंस इसके रिलेटेड फॉर्म कर सकते हैं, बताइए क्या सोचती है आपकी फ्रेंड। माई फ्रेंड थिंक्स दैट आई एम वीक, माई फ्रेंड थिंक्स दैट आई एम वेरी ब्यूटिफुल, माई फ्रेंड थिंक्स That I am so intelligent. Very good. She runs slowly. ये भी correct sentence है. Next हम देखते हैं हमारे पास क्या है हिंदी में पहचानने के लिए। अब मैं आपको example दे रही हूँ। ता है, ती है और ते है जिसके end में आता है वो simple present tense होता है। Daily routine के शब्द होते हैं, जैसे मैं school जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं daily मंदिर जाता हूँ, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। डेली रूटीन जो होता है हमारा, डन बाय नेचर, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो सारी चीजें इसमें आती है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य पूर्व से उदय होता है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये सारी चीजें होंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट। किसी कोटेशन को रिपीट करना हो तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी नहीं रहे फिर भी जब हम महान पुरुषों के शब्दों को, वो भी शब्द अमर हो चुके हैं ना, जब उनको कहते हैं तो हम सेज लिखते हैं, वहां पर हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाते हैं। महात्मा गांधी सेड नहीं कहते हैं, सेज कहते हैं। कब कहते हैं? जब वो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। ट्रुथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा सत्य की जीत होती है, इसलिए हम महात्मा गांधी के आगे क्या लगा रहे हैं, सेज, उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया गया। मैं एक और बहुत अच्छी चीज आपको बता दूं कि जितनी भी न्यूज़पेपर की न्यूज होती है वो सभी न्यूज आपको हमेशा कैसे मिलेगी, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही मिलेगी। हेडिंग, उसकी हेडिंग अंदर न्यूज कुछ भी हो, पर आपको 99% न्यूज जो है उसकी हेडिंग्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मिलेगी। आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ना, या फिर आपके पास, सभी के पास गूगल होगा, वहां पर न्यूज देखते होंगे ना, तो आप देखना कि वहां पर कि कभी की भी न्यूज हो, कितनी भी पुरानी न्यूज हो, वहां पर क्या होता है, हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आती है। अंडरस्टूड? देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। रेड कलर में कर रखा है, मींस वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, अकेले लड़के की बात हो रही है, वह तेज दौड़ता है, इसलिए हमने रन के आगे एस का यूज किया, ही रन्स फास्ट। वह इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। शी के साथ हमने
एस लगाया, मतलब वर्ब में एस लगाया क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है। आई डू माई लेसन, आई कंप्लीट माई लेसन, आई रीड माई लेसन, कोई भी वर्ब हो। आई सब्जेक्ट है, आई को हम एक्सेप्शनल केसेस में लेते हैं, मतलब आई के साथ भी हम एस का यूज नहीं करते, जैसे हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था आई वी यू दे के साथ कभी भी एस का यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। आई डू माई लेसन। चिल्ड्रन बच्चे क्या है, प्लूरल है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। कभी कभी हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन के आगे एस लगा देते हैं, तो चिल्ड्रन तो पहले से ही प्लूरल है, कभी भी चिल्ड्रन में एस का यूज नहीं किया जाता। चिल्ड्रन लाइक स्वीट, बच्चे मिठाई पसंद करते हैं। अब आप स्वीट्स को मत देखना, स्वीट्स मतलब मिठाइयां हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है हमारा। बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, मिठाइयां, तो वो ऑब्जेक्ट है हमारा। लाइक में एस नहीं आएगा, एक्शन में एस नहीं आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं हम, वी प्ले अ मैच, वी प्ले अ मैच। बी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हम मैच खेलते हैं, बी सब्जेक्ट हो गया। एक्शन क्या है, खेलना, प्ले वर्ब हो गई। बी प्ले हम क्या खेलते हैं, दोनों को क्या कनेक्ट कर रहा है, कौन रिलेट कर रहा है, मैच, मतलब मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बी प्ले अ मैच, हम मैच खेलते हैं, इसलिए हमने प्ले के साथ एस नहीं लगाया क्योंकि बी ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। दे सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, तो वे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा दे सिंग अ सॉन्ग। सिंग यानी गाना, वर्ब हो गई एक्शन, और क्या गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, इसलिए गाना जो है सॉन्ग, मतलब हिंदी में तो दोनों को गाना कहते हैं पर इंग्लिश में वर्ब अलग होती है और ऑब्जेक्ट के लिए उसे अलग वर्ड को यूज किया जाता है। इट रेन्स हैविली, इट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, मैंने जैसे आपको बताया नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। बारिश, तेज बारिश हो रही है, हम ऐसा कहना है तेज बारिश हो रही है, तो हम यहाँ पर इट का यूज करेंगे, इट रेन्स हैविली। रेन हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रही, बारिश हो रही है ये खुद ही एक्शन है, इसलिए रेन में हमने एस लगाया कि रेन क्या है, वर्ब भी है और रेन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इट रेन्स हैविली, हैविली क्या हो गया हमारा, एल वाई लगा देते हैं, तो मैंने जैसे आपको पढ़ाया था एडवर्ब होता है, एडवर्ब पढ़ा था आपने एल वाई, तो क्या हो गया, इट रेन्स हैविली। अंडरस्टूड? गोपाल रीड्स हिज बुक, गोपाल सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, गोपाल सिंगुलर है इसलिए हम रीड के साथ क्या यूज कर रहे हैं, एस का यूज कर रहे हैं। गोपाल रीड्स हिज बुक, गोपाल अपनी या उसकी बुक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर अब हिंदी के सेंटेंसेस भी आपको शो किए गए हैं। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, बनाइए क्या बनेगा, आप अभी इंग्लिश का सेंटेंस ना देखें, कोशिश करें बनाने। सूर्य द सन, जो यूनिवर्सल चीजें होती हैं, जो एक होती हैं, यूनिक होती हैं, वहां पर हम द का यूज करते हैं, नेचुरल चीजों के आगे द का यूज करते हैं। द सन, एक्शन क्या है, निकलना, उदय होना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। समर्थ पाटीदार, द सन राइजेस, राइज यानी उदय होना। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कहां से निकल रहा है, पूर्व से। द सन राइजेस इन द ईस्ट, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देखो द सन था ना, तो सन सिंगुलर था इसलिए राइज के साथ एस यूज किया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ता है होता तो सिंगुलर होता, पर यहां लिखा है उड़ते हैं, मतलब बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, मतलब बर्ड्स, और जहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है वहां पर एस का यूज नहीं किया जाता, तो बर्ड्स फ्लाई क्या हो जाएगा, फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी
आकाश में उड़ते हैं। अंडरस्टूड? चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि चिल्ड्रन मतलब बच्चे, प्लूरल होता है, इसलिए हम गो के साथ एसईएस का यूज नहीं करेंगे। हाँ, यदि ये चाइल्ड होता तो बच्चा स्कूल जाता है, तो हम लिखते हैं चाइल्ड गोस टू स्कूल। पर यहाँ पर क्या है? चिल्ड्रन है, इसलिए हम लिखेंगे चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अंडरस्टूड? बहुत तेज दौड़ता है। आप देखिए, हिंदी में आपको समझ में आएगा ता है, ते है। लास्ट 5 मिनट है हमारे पास। हम आज अफर्मेटिव कंप्लीट करेंगे और कल नेगेटिव इंट्रोगेटिव को पढ़ने जाएंगे। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। इसीलिए हमने ता है ते है से भी समझ सकते हैं, पर मेरा मानना है आप हिंदी को ना देखें और इंग्लिश से ही समझने की कोशिश करें कि जहां पर आपको वर्ब के साथ एसीएस दिख जाए, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जहां पर आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, वो भी क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वह तेज दौड़ता है, वह के लिए ही, दौड़ने के लिए रन्स और तेज के लिए फास्ट। अब मैं लिखूं यहां पर वह तेज दौड़ती है, तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर चेंज हो जाएगा, शी रन्स फास्ट। तुम मुझे जानते हो, तुम के लिए होगा यू क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। हमारी एक्शन क्या है? जानना। वर्ब क्या है हमारी? जानना। तो जानने के लिए होता है KNOW, और इसको प्रोनाउंस हम करते हैं नो, नो नहीं पढ़ते, नो पढ़ते हैं। यू नो किसे जानते हैं? मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यू नो मी, हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे तब हमने देखा था कि मी क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज किया जाता है। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो। आई डू माई लेसन, मैं अपना पाठ करता हूं या मैं अपना लेसन पढ़ता हूं, मैं अपना लेसन कंप्लीट करता हूं। अंडरस्टूड? तो आई डू माई लेसन, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, करना वर्ब है इसलिए हम डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू माई लेसन। बच्चे मिठाइयां पसंद करते हैं, मिठाइयां है इसलिए हमने स्वीट्स सिखाए। ओके, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स। अब मैं कहूं राम मिठाई पसंद करता है, देन व्हाट विल बी द सेंटेंस? फॉर्म दिस सेंटेंस, फॉर्म कीजिए आप इस सेंटेंस को, राम मिठाई पसंद करता है, तो होगा राम लाइक्स स्वीट। साइया, आपने करेक्ट सेंटेंस लिखा है, बस आपको लाइक्स लिखना है। ओके, धीरा चित्रा, वेरी गुड। राम लाइक्स स्वीट्स। ये एक्सरसाइज है जो आपका होमवर्क है, फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, जस्ट वेट, और इसे आपको कंप्लीट करके भेजना है। लास्ट मिनट बचा है, आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके, किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।